वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ईएमई टेक्नोलॉजीज। आज हम लोग पढ़ेंगे गूगल माय बिजनेस पेज। गूगल के ऊपर हम लोग किस तरह से बिजनेस पेज बनाते हैं, बिजनेस पेज की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए, और किस तरीके से हम लोग इफेक्टिव यानी कि गूगल के टॉप सर्चेज में लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस पेज को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट वीडियो देख सको। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग बिजनेस पेज बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करी है google.com/mybusinesspage। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो बिजनेस पेज, उसके बाद आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपका बिजनेस का नाम पूछेगा ये कि आपका बिजनेस का नाम क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बिजनेस का नाम है मेरा डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस का नाम है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रीट एड्रेस, आपने एड्रेस डालना है, आप यहां पर एड्रेस डाल सकते हो, जैसे मैं एड्रेस डालता हूं। नेक्स्ट अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि हम लोग किस तरह से मैप सेटिंग करते हैं। देखो मैप सेटिंग आपका जो ये रेड पॉइंट है, आप इस पर क्लिक करके जहाँ भी आपका बिजनेस है गूगल के ऊपर आप वहाँ पर सेट करो। सबसे पहले आपको अपनी लोकेशंस का पता होना चाहिए, जैसे मैं इसको डोंट अलाउ कर दिया। जैसे मेरी जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं मान लो यहाँ पर एक एड्रेस सेट कर देता हूँ इस लोकेशन पे। नेक्स्ट, अब मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रही, यूजिंग मेल और कुरियर, डिस्टेंस अराउंड योर बिजनेस लोकेशन स्पेसिफिक एरियाज। आपने एड्रेस डालना है, यूजिंग मेल और कुरियर चाहिए तो कुरियर डाल देना है, नेक्स्ट कर देना है। बिजनेस कैटेगरी, आपके बिजनेस कैटेगरी क्या है, एजुकेशन सेंटर, नेक्स्ट। मोबाइल नंबर, आपकी वेबसाइट, नेक्स्ट। फिनिश, आपके पास मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो अपना बिजनेस के लिए कि किस तरह से हम लोग अपना बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं। देखो गूगल बिजनेस पेज के अंदर एक नई अपडेट आई हुई है, कुरियर नेम जैसे शिव, बारह दिन के अंदर अंदर ये कुरियर आ जाएगा मेरे एड्रेस पर। गेट स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर एक नई ऑप्शन है किस चीज़ की, पोस्ट की। हम लोग पहले गूगल बिजनेस पेज के अंदर पोस्ट नहीं डाल सकते थे, लेकिन अब हमारे पास एक नई ऑप्शन है कि हम यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हैं। पोस्ट के साथ साथ हम लोग 1500 वर्ड तक यहाँ पर कंटेंट राइट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ आप बटन लगा सकते हो, बुक का ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, साइन अप, गेट ऑफर, जो भी आप इवेंट स्टार्ट कर रहे हो, इवेंट के लिए कोई ऑफर आप चला रहे हो, ऑफर या आप कोई आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो अपने बिजनेस पेज के अंदर, तो आप वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। जब ये चीज़ें लाइव होंगी तो आपको किस तरह से दिखेंगी, जैसे मैं अपना एक ईएमई टेक्नोलॉजीज गूगल पे, पहले हम गूगल सर्च करते हैं, गूगल पे मैं जो लाइव है मेरा ऑलरेडी बिजनेस पेज मैं उसको दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये लाइव बिजनेस पेज है, ईएमई टेक्नोलॉजीज बेस्ट 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन चंडीगढ़ मोहाली। आप देखो यहाँ पर पोस्टें आ रही हैं, इन पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ।
ये एक नई अपडेट थी जिसके ज़रिए आप गूगल पे अपनी सर्चिंग बढ़ा सकते हो। अब देखो यहाँ पे व्यू ऑल करोगे तो आपको बड़ी सारी पोस्ट मिलेंगी, जैसे सिविल की है, दशहरा की है, नवरात्रि की है, मैकेनिकल, नेटवर्किंग, बिग डाटा, एडवांस एक्सेल, आपको बड़ी सारी इस तरह से टेक्निकल जैसे एंड्रॉयड की है, पीएचपी की है, फाइनेंस की, जावा, आईओटी, पाइथन, जावा, 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपको इस तरह से बड़ी सारी पोस्टें मिल जाएंगी। जैसे गूगल एल्गोरिदम के ऊपर एक पोस्ट है, एसईओ की पोस्ट है, पीपीसी के लिए एक स्पेशल, डिजिटल मार्केटिंग, फेस ऑफ ईएमई प्लेसमेंट्स, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बिजनेस पेज के अंदर और हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिव्यूज़। जो भी आपको क्लाइंट रिव्यू करेगा, आपका जो कस्टमर होगा, वो आप यहाँ पर उसको रिप्लाई कर सकते हो उन रिव्यूज़ के फ़ोटो। सबसे बड़ा मेन बात क्या है बिज़नेस पेज की, अगर आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप बिज़नेस पेज के अंदर खुद की अपनी एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। ये देखो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है वेबसाइट का, वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आप अपनी एक थीम सेट करनी है आपने, क्रिएटिंग योर वेबसाइट, जैसे अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगा पेज। टेक्स्ट डालना है, कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं हम लोग, यहां से फोटो ऐड ऑन कर सकते हैं अगर मुझे कोई फोटो अपलोड करनी है। अभी जिस तरह से मैंने इसको अभी लाइव नहीं किया है, पब्लिश करना, आप यहाँ से फ़ोटो ऐड, यहाँ से भी आप फ़ोटो ऐड ऑन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप देखो ऑटोमेटिकली एक थीम आ रही है, आपकी वेबसाइट आ रही है, गेट डायरेक्शन, गेट डायरेक्शन का ऑप्शन इसलिए क्योंकि मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, आप जो चाहो यहाँ पर दे सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो। आप जब पब्लिश करोगे तो इसका यूआरएल मिल जाएगा आपको, digitalmarketingtraining.google.com या google.business करके आपके पास एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप कस्टमर को अपनी इस वेबसाइट के ज़रिए भी रीच आउट कर सकते हो, उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। यहाँ पर आपके अपडेट्स आएंगे, जो भी आप गूगल पे एक नई पोस्ट डालोगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जो पोस्ट डालोगे वो आपको यहाँ पर शो होती रहेंगी, जो आपकी सर्विसेज होंगी, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा करते हो, व्हाट सर्विसेज ऑफर, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। जैसे एडिट सर्विसेज हम करेंगे तो हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नेम आइटम, उसका प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, यहाँ पर आप उसके लिए कुछ नेम देना चाहो नेम दे सकते हो, सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करो उनको आप यहाँ पर अपने एक सर्विसेज ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूज़र्स आ सकते हैं एक ही बिजनेस पेज के अंदर। आप और सेकंड, चलो एक पेज आया मैनेज परमिशन। मैनेज परमिशन में क्या होता है, अभी जो है ये प्राइमरी ओनर हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट कोई और भी हैंडल आउट कर सके तो आप उसको ओनर, मैनेजर, कम्युनिकेशंस मैनेजर, आप ये रोल, जॉब रोल दे सकते हो। अगर कल को कोई भी बिजनेस पेज में दिक्कत आती है या कुछ चेंजेस होते हैं या आपका बिजनेस पेज इमीडिएटली बंद हो जाता है, तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ कि अगर आपका बिजनेस पेज बंद हो जाता है तो उसको किस तरह से दोबारा से रीओपन करते हैं हम लोग। इन्फो इनसाइट्स चेक कर सकते हो कि कितना ट्रैफिक आपके पास आ रहा है बिजनेस पेज के अंदर, कितना ट्रैफिक, कितने लोग आ रहे हैं, कितने यूज़र्स आ रहे हैं। जब अभी ये वेरीफाई के लिए मांग रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी ये पेज बनाया था, तो वेरीफाई के लिए कुरियर आएगा 12 दिन के अंदर, उसके बाद वेरीफाई। आप यहाँ पर इनसाइट्स दे सकते हो, कितने यूज़र, जो डायरेक्ट यूज़र कितने आ रहे हैं, रेफरल यूज़र्स कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट यूज़र कौन से यूज़र होते हैं जो आपको सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, आपके कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और आपका बिजनेस पेज गूगल के टॉप पेज पे आ रहा है और वहाँ पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो आपके पास डायरेक्ट यूज़र्स हो जाते हैं, रेफरल्स यूज़र्स हो जाते हैं, डायरेक्ट कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि आप ये मेरी टेक्नोलॉजी गूगल पे सर्च कर रहे हो और उस तरह से आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं। बिजनेस पेज के ज़रिए आप अपना जो बिज़नेस पेज है गूगल के टॉप
लेके आ सकते हो, टॉप पे लेके आ सकते हो, जिसके ज़रिए आप अपनी लोकल सर्चिंग बढ़ा सकते हो। लोकल सर्चिंग बढ़ाने के लिए आपको अपने एट्रीब्यूट्स, आप अपने बिजनेस के डिस्क्रिप्शन डालो, डेट, आप ये सारी चीज़ें एडिट करो, कितने आवर्स आपका ऑफिस ओपन रहता है, कितने आवर क्लोज है, ये सारी चीज़ें। वेबसाइट, अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट बनी हुई है, जैसे हमारी www.emetechnologies.com है, आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर नहीं डालना चाहते तो आप गूगल की खुद की एक वेबसाइट जिसके आप बना सकते हो, आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। यूज़र्स में आप यूज़र ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा आपका बिजनेस कहीं और भी है और आप चाहते हो कि सेम मेल आईडी से आप उसको कनेक्ट करना चाहो, तो आप ऐड अ न्यू लोकेशन कर सकते हो। आप वहाँ पर सेम बिजनेस नाम सेम आ जाएगा, आपकी लोकेशन अलग आ जाएगी। एक ही मेल आईडी से आप बहुत सारे बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हो। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।